का स्वागत है। अब सीजन आ गया है पंखा वाइंडिंग करने का, तो अपन ये पुराना जो अपने जुगाड़ है BSC जुगाड़ चैनल, उस पे क्या है, इससे पंखा वाइंडिंग अपन करते हैं। ये जुगाड़ है, इससे ऐसे पंखा वाइंडिंग होता है, तो इसको अपन तैयार करते हैं। अभी अपन ने अटाले में रख दिया था, दो तीन जुगाड़ है अपने पास, एक जुगाड़ इधर है, ये एक जुगाड़ ये है, एक जुगाड़ ये है, क्योंकि अभी तक ठंड का सीजन था तो पंखे वाइंडिंग करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो इनको अपन ने एक तरफ रख दिया था। अब इनको साफ सुफ करके अपन पंखे को वाइंडिंग करेंगे, और कैसे वाइंडिंग करेंगे उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। BSC इलेक्ट्रिक जुगाड़ चैनल। अब जैसे ये है तो ये यहाँ लगाते हैं अपन, इसको भी साफ कर लेते हैं। अच्छा, ये ऐसे लगेगा, ऐसे लगा के तार इसमें से होके निकलेगा, और ये इसका काउंटिंग करने का मीटर है, जरा टूट गया है ये ऐसा काउंटिंग होता है इससे, क्योंकि बेसीजन था तो वो क्या है कि सामान सब इधर उधर रखे रहते हैं, तो केयर नहीं करी अपन। अब सीजन आ गया है पंखे वाइंडिंग का, अब इसकी केयर करना पड़ेगी, तो ये यहाँ पे ऐसा लगता है, यहाँ पे लगता है और ऐसा घूमता है ये, तो इससे एंट्री होती है। और इसको कभी नहीं भी लगाना चाहो तो इसको अलग रख देते अपन ये हैंडल से। जैसे ये क्या है, हैंडल से एक राउंड लगाने में 10 राउंड जाता है, ये अपना जुगाड़ है, सीलिंग फैन वाइंडिंग जुगाड़। ये चला को बता दिया। अब अपन इसको साफ सुफ करके धूल धमास निकाल के अपन इसको वाइंडिंग करेंगे। अब ये इसका डही है, ये वाला इसका डही है, इसका भी बेरिंग वगैरह अपन ने साफ सुफ कर लिया है, और इसको भी सही साट करके अपन इसको लगाते हैं। अब ये क्या है, ये यहाँ पे लगता है, यहाँ पे। अब कैसे लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये इसकी जो केप है, ये वाली केप इसके अंदर लगता है ऐसी। अब ये वाली केप इस पे लग गई, और ये जो डही है, ये डही इसके ऊपर ऐसा लगता है, ये सीलिंग फैन वाइंडिंग करने का जुगाड़ है, ये ऐसे लगता है, ऐसे लग के। आप थोड़ा मैं आपको चला के बता दूं ये कैसे चलता है। ये क्या है, तार फंस जाता है और लोड पड़ता है, तो ये क्या होता है, स्लिप मारता है। अब लोड नहीं है ये, अब इसको मैं तेज पकड़ लूंगा तो ये स्लिप मारेगा, देखना आप। इसको मान लो तेज पकड़ लिया, ये स्लिप मार दिया। अब इसको अपन क्या है, ये इसका डेमो है। अब ये डेमो लगा के मैं आपको बता दूं, अगर पूरा अगर बताऊंगा मैं अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये डेमो अपन ने लगाया, ये वाला। कभी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन दबा देना, और आपके दोस्तों को शेयर कर देना, पर लाइक जरूर करना। अब इसको अपन ऐसे यहाँ लगाते हैं, अब ये लगा के यहाँ से घुमाते हैं, तो एक राउंड में 10 राउंड जाता है ये वाला, एक राउंड में 10 राउंड जाता है ये। अभी इसमें तेल लगाना पड़ेगा, ऑयल लगाना पड़ेगा। अब क्या है, ये रखे रखे इसको पूरी सर्दी का सीजन में रखा हुआ रह गया था ये, अब इसमें ऑयल लगाना पड़ेगा ये वाला। तो ये कुछ जाम है बेरिंग, इधर का भी जाम है। अब ये जुगाड़ वापिस से अपन इसको तैयार कर रहे हैं, और ऐसे इसका वाइंडिंग होगा, और ये यहाँ से तार लगा के इसमें जाएगा, और इसमें होता हुआ इधर आएगा,
और उसमें फिर इसमें निकलेगा, ऐसा निकल के इसमें आके ये जो डेमो है, ये डेमो जैसी वाइंडिंग होगा, ये एक इधर और एक उधर, एक इधर और एक उधर, ऐसी इसमें वाइंडिंग होगी। अब थोड़ा मैं आपको चला के बता दूं, क्योंकि आप चलोगे तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा ऐसा। अभी ये आवाज भी कर रहा है, अभी ये पूरे ठंड के सीजन में रखा हुआ था, इसकी अपन ने कोई कदर नहीं करी, इसके तरफ देखा नहीं, तो इसकी सर्विसिंग करके अगले वीडियो में आपको इसको वाइंडिंग करके बताऊंगा। एक ये वाला जुगाड़ है और एक दूसरा जुगाड़ भी है मेरे पास, और ये जुगाड़ बहुत सस्ता सुंदर है और वो जुगाड़ भी सस्ता सुंदर है, तो दोनों जुगाड़ के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। पहले ये हाथ से चलने वाला जुगाड़ के बारे में जानकारी दे दी, और इसमें क्या है, एक उल्टा चलता है एक सुलटा चलता है, तो ऐसा, और फिर उल्टा चलाना है तो ये, और फिर उल्टा चलाना है तो ये। अभी जुगाड़ के बारे में मैंने आपको बताया है, इसको पूरा धो धमास करके सही करके अपन निकाल लिया है। अब इसमें आयल भी लगाएंगे अपन, इसमें भी आयल डालेंगे, इसको भी सही स्टार्ट करेंगे, और फिर आपको वाइंडिंग करके मैं बताऊंगा ये वाला, और ये ऐसा बनेगा। ये अपन ने एक डेमो बना के रखा है, जो कि मेरे प्रेमी जो कोई सीखना चाहता है उनको सीखने में इससे आसानी होती है। देखने में जैसे लाल लीले वायर लगाया अपन ने, तो इससे क्या, एक ऐसा भराता है एक ऐसा भराता है, एक ऐसा भराता एक ऐसा भराता, तो इससे ऐसे उनको सावधानी होती है। और फिर इनका कनेक्शन का भी अपन ने दिया हुआ है ये वाला। आप वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।